रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आते हैं, रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आते हैं, मुर्दे के लिए तो सब रास्ते छोड़ देते हैं, मुर्दे के लिए तो सब रास्ते छोड़ देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। मैं मुकेश यादव आप लोग को पल पल की ऑल डिटेल्स देने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। और आज जो मैं लेके आया हूँ वो थंबनेल में देखा ही होगा कि इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं जनरल ड्यूटी या क्लर्क टेक्निकल किसी भी पोस्ट में, तो पांच ऐसी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आपको 1 साल तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा या तो आपके सपने चूर हो सकते हैं। क्या है ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स के साथ अगर आया हूँ तो मैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर क्या हम इंडियन आर्मी की जो जो साइट्स मेरी जो परमानेंट अकाउंट है इसमें क्या मैं अपने आधार कार्ड को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सारी डिटेल्स मैं कितने बार कर सकता हूँ, अगर कर भी सकता हूँ तो कितने बार कर सकता हूँ, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ पहला। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे को कहना आता है कि सर हम लोग कितने बार आधार कार्ड को चेंज कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स मैं दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे आज मैं बात करूंगा, सबसे पहली बात जो हमारा है वो है कि क्या पहला सबसे पहली बात आपको जो बच के रहना पड़ेगा वो है डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि आधार कार्ड में कुछ है और आपके 10th और 12th में कुछ और है। ठीक है, ध्यान देंगे कि 10th और 12th का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो ही आपका मान्यता लिया जाएगा। और मैं बता दूं कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप नहीं सुधार सकते, है कि नहीं, इसका डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना बहुत टफ है। तो आप पैन कार्ड और जो आपका आधार कार्ड होगा इसमें आपका अगर गलती होगा तो इसके जैसा मैच करा लें। ठीक है, पहला बात है कि आप ये गलती ना करें, डेट ऑफ बर्थ को एकदम एक्यूरेट रखें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पर, जाने के बाद वहाँ पर निकाल दिया जाता है, फॉर्म भी अप्लाई नहीं होता। अगर आपको पता होगा कि डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच होगा तो आपकी फॉर्म अप्लाई नहीं होती है। अगर मैं बात करूं दूसरा तो नेम स्पेलिंग मिसमैच। बहुत सारे बच्चे का नेम स्पेलिंग मिसमैच होता है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में क्या है कि महेश कुमार लिखा हुआ है और मेरा जो आधार कार्ड में है वो महेश सिंह है। ठीक है, या तो महेश सिंह मेरा डॉक्यूमेंट में है और मेरा जो आधार कार्ड में या पैन कार्ड में महेश कुमार है। तो बच्चे इसमें भी बचें, क्योंकि आप गलती करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको सभी जगह डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंटों को चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या टोटल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो, सभी में आपका जो स्पेलिंग्स है वो भी सही करा लें। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि सर मेरा ए के जगह ई आ चुका है या एस के जगह एच आ चुका है, ये सारी स्पेलिंग्स को ध्यान से देखें। यदि प्रॉब्लम है तो आप पहले ही ठीक करवा लें, नहीं तो आपको 1 साल तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अगला एड्रेस मिसमैच। एड्रेस मिसमैच क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एड्रेस मिसमैच में क्या होता है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे कि मैं रह रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में, और आपका जो होम जो परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड का दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका होम टाउन का। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पर जो एड्रेस डाला वो अपना दिल्ली का डाल दिया और आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपका घर का है। ठीक है, आपका होम एड्रेस का, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम अगर होगा तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होती भी है तो सिलेक्शन के बाद आपको निकाल दी जाएगी। तो आप ध्यान रखें, आप कहीं भी हो लेकिन आप एड्रेस वही डालें जहां पे आपका पैन आधार कार्ड में एड्रेस डाला हुआ है। ठीक है, एक चीज क्लियर रहे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जहां रहते हैं वहां का एड्रेस डाल देते हैं, ध्यान नॉलेज नहीं होता स्टार्टिंग में। क्लियर है, अब आता है फेक आधार नंबर अटैच। बहुत सारे बच्चे कमेंट आता था सर क्या मैं फेक आधार नंबर में डाल के फिर जा सकता हूं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बच्चों नॉलेज नहीं है आप लोगों को, आधार कार्ड परमानेंट एक होता है, आधार कार्ड आपका क्या होता है चेक होता है, बेसिकली पॉइंटिंग टेबल में से चेक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक होने से क्या होता है कि अगर आपका नाम भी मैच हो रहा होगा कि मेरा नाम मुकेश यादव है और मुकेश यादव का एक और किसी दूसरे का आधार कार्ड हम इसमें अगर अटैच कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। इसमें आपका क्या होगा कि परमानेंट डिटेल्स निकल आते हैं, आपके थंबनेल, आईज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जितने तरह का वो सारी डिटेल्स निकल आते हैं। ठीक है, आपका थोपड़ा भी निकल आता है, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये गलती ना करें, कभी गलती ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है कि केस भी हो सकती है, दूसरी फेक डालने से केस भी आपका हो सकता है और परमानेंट आपको डिस्क्लोज कर सकता है, जो आर्मी में कभी नहीं जा सकते। लास्ट और आखिरी जो सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आधार कार्ड नंबर हम कितने बार चेंज कर सकते हैं अपने फाइल पे, अपने आईडी पे, अपने नंबर पे, परमानेंट आर्मी अगर के नंबर अकाउंट पे, तो आप 3 बार कर सकते हैं। 3 बार में भी देखेंगे आप, ध्यान रखेंगे कि वो जो अपडेट है
वो अगर गवर्नमेंट के पास चला गया, इंडियन आर्मी के पास चला गया कि बार बार वो अपडेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको धर लेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एज खत्म होने के बाद आधार कार्ड का नाम नंबर अपना डेट ऑफ बर्थ सुधरवा लेते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट मतलब 10th 12th फिर से दे देते हैं और बार बार दो तीन बार ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से तीन बार हार्डली आपको मिलता है। यदि आप इससे ज़्यादा कर लेते हैं अपडेट, तो वो कहीं ना कहीं आप इसके नज़र में आ जाते हैं और नज़र में आते हैं तो फिर आपको वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या तो आपको आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स था जो मैं आपको दिया हूँ। ये सभी गलतियों से आप बचें तो आपका एक साल बच सकता है, नहीं तो आपका एक साल परमानेंट के लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियों से हम लोग बचें। आप लोग जब तक छोटी छोटी गलतियों से नहीं बचेंगे, तब तक आपको कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी हार मत मानना बच्चे। हार इसलिए नहीं मानना क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूँ कि गिर कर उठे हैं और ऐसा उठे हैं कि मैं नाम ही नहीं बता सकता, इतना हाई लेवल तक चले गए हैं। तो कभी मत सोचना, मेरे बहुत सारे बतेरे एग्जाम्पल हैं जो आपको दे सकते हैं कि हिम्मत हारने के बाद भी बहुत मेहनत की और वहाँ जाके फाइनली वो सिलेक्शन हुआ है इन लोगों का। तो आप टेंशन ना लें, आपके भी सिलेक्शन होगा। आप सिर्फ अपनी उम्मीद और अपनी जिसे कहते हैं ना कि जिज्ञासा के साथ रहें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। सुबह उठते हैं तो सपना ये सपना लेकर उठिए कि हमको आज ये करना है, आज मेरा इतना तरह का टारगेट है, टारगेट को हमको अचीव करना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज पे Defence93 को भी जाके फॉलो करिए। वहाँ से आपको भी सारी डिटेल्स वहाँ भी पल देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।